एजेंडा न्यूज़ वालों को बुलाए थे हमने, तो ये यार इतना ट्रॉफिक जमा हुआ था यहाँ से लेके पुल तक लगे पूरा, तो ये गड्ढा हो गया था 2-3 दिन पहले, गड्ढा खोदा था रोड वाले ने, काहे के लिए खोदा था क्या मालूम, पूरा ट्रॉफिक जमा हो गया था लगे। अच्छा, तो बहुत लोगों को दिक्कत जा रही है इसमें, बहुत लोगों को दिक्कत जा रही लगे, पुल के आगे तक जमा हो गया था, ये रोड वाले ने 3 दिन पहले गड्ढा खोदा था, यहाँ पूछा नहीं कुछ भी। अच्छा, मुरम डालना था उसमें, कब देखे कब हुआ था ये? 3 दिन पहले उन्हें गड्ढा खोदा था, पानी आया था उससे, 1 दिन ही बस उन्होंने गड्ढा खोदा, कुछ पाइप की वगैरह डाला है, पर उन्हें मुझा बस और कुछ चल गया वैसे। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ था उसका थोड़े कैसा? वो अभी एक्सीडेंट हो गया था, कार वाले को पीछे से लग गया था, ट्रक वाले ने मार दिया था, ट्रक में मिर्ची वगैरह कुछ कच्चा माल भरे हुआ था, वो ट्रक का उन्होंने थोड़ी पानी कुछ नौ होता था वही वो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर। एजेंडा न्यूज वालों को बुलाए थे हमने, तो ये यार इतना ट्रॉफिक जमा हुआ था यहाँ से लेके पुल तक लगे पूरा, तो ये गड्ढा हो गया था 2-3 दिन पहले, गड्ढा खोदा था रोड वाले ने, काहे के लिए खोदा था क्या मालूम, पूरा ट्रॉफिक जमा हो गया था लगे। अच्छा, तो बहुत लोगों को दिक्कत जा रही है इसमें, बहुत लोगों को दिक्कत जा रही लगे। तो वीडियो में भी हमने देखा है कि आसिफ भाई से हमने जो बात, ट्रॉफी पूरा निकाले थे अभी हमने आके, अभी हम थे 2-3 जने थे, हमारा भाई था एक, पूरा ट्रॉफी निकाले अभी। तो इसी तरीके से ये देखिए भाई, ये देखो किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और रोड वाले का जल्द से जल्द इस तरीके की लापरवाही आप जो कर रहे हैं ना, तो गलत बात है, लापरवाही नहीं करना चाहिए। अभी टाइम हो रहा भाई 2:14 हो रहे हैं, और कभी भी आरिफ भाई को हमें ये एजेंडा न्यूज वाले फोन करे, कभी भी आके ट्रॉफी निकालते हैं वो। अच्छा, एजेंडा न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस मदद करते रहते हैं ये, कभी भी आ जाते फोन करे तो। मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जो इस तरह जो इसमें गड्ढे, ये लापरवाही है उसकी, रोड वाले लापरवाही, अगर ये कल उसको करना चाहिए, यहाँ ला के मटेरियल डालना चाहिए, और लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए गाड़ी रुक गई उधर, जो रोड ख़राब होने की वजह से सभी है, ये देखिए गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं, क्या जाएंगी लोडिंग गाड़ी इसमें, बैठ जा रही है गाड़ियाँ। तो इसका लग्जरी गाड़ी को देखिए सामने, तो ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए ये आपकी लापरवाही क्लियर कट सामने नजर आ रही है, इसको सही करना चाहिए आपको, आपने जो भी काम कर रहे हैं यहाँ सही करना चाहिए आपको, जो सामने दिखाई दे रहा आपको, बहुत ही लोगों को दिक्कत जा रही है इसमें। ये देखिए एक दूसरे को नई ब्रेक लग रहा था, एक दूसरे को गाड़ी लग जा रही है, पहले घाट में, और घाट में भी बहुत हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए आपको, घाट का भी रास्ता बहुत ख़राब है, और इसके वागुर नदी के जो ब्रिज के ऊपर भी आपको बहुत हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए, और बालापुर के भारत दर्शन पे भी आपको जहाँ रास्ता ख़राब है, जहाँ रोड का काम चालू है, वहाँ आपने बहुत हिसाब से बहुत एहतियात से गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि हर हमेशा ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो वहाँ रास्ता है तो लोगों की इतनी परेशानी हो रही है, वहाँ रोड खोद के डाल दे रहे, नाली खोद के डाल दे रहे, और उसको कुछ नहीं है। ये देखिए यह हाईवे एजेंडा शहर के बस स्टॉप का, ये देखिए सामने, ये है हाईवे एजेंडा शहर के बस स्टॉप का, और रात, और इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जा रहे। ये सलिए की गाड़ी है, क्या हाल है ये देखिए सामने, ये देखिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
ये देखिए, ये रोड वाले की गलती की वजह से हमारे टायर भाई और ये भाई गाड़ियों को ट्रैफिक को निकाल रहे हैं, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही इससे। ये जिसने रोड वाले ने खोद के रखा तो इसमें मटेरियल डालना चाहिए, नहीं तो रोड बनाना चाहिए। ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, गाड़ी चलाने वालों को। अभी एक एक्सीडेंट हो गया है जो 9,000 रुपये में तोड़ी पानी हुई इसकी, तो आपको भी समझना चाहिए इसको जो गलती कर रहे हैं तो उसके पैसे कौन देंगे। जो लोग गिर जा रहे हैं, गाड़ियों को नीचे लग जा रहा है, छोटे गाड़ियों को। ये देखो कार जा रही है, अजंता शहर में बस स्टॉप के ऊपर है। जो हमारे शालीमार वाले भाई निकाल रहे और यादगार वाले जो यहाँ से ट्रैफिक निकाल रहे हैं।